वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9। ये 9 क्लास का है, चैप्टर 1 का है, परिमेय करंट रेशनलाइजेशन, जिसे रेशनलाइजेशन कहते हैं, जिसके हमने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, 1/√7 − √6। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये सेकेंड लेंगे, 1/√5 + √2। तो ये क्वेश्चन है, इसे हम सोल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 − √6। तो यहाँ माइनस 1/√7 दे रखा है और √7 दे रखा है, −√6 दे रखा है। तो इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कभी भी अंडर रूट नहीं आता है, और अगर अंडर रूट आता है तो हमें उसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। तो हम ये नंबर ले रहे हैं, इसे ले लेंगे 1/√7 − √6। तो इसे हम परिमेयकरण करेंगे, तो जो इसके अपान में है उसे लिखेंगे हम उसके मल्टीप्लाई में। तो 1/√7 − √6। तो परिमेयकरण में होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ इसका अपोजिट साइन आएगा, माइनस है तो माइनस का अपोजिट प्लस होता है। तो यहाँ आएगा √7 + √6 अपॉन में √7 + √6, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परिमेयकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 का हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का इसमें हो जाएगा, तो सेम नंबर आएगा, ये हो जाएगा √7 + √6, और इनका मल्टीप्लाई होगा, तो √7 में होगा, तो ये हो जाएगा √7 की पावर 2, माइनस प्लस माइनस √6 का मल्टीप्लाई √6 से होगा, तो इसको भी हम लिखेंगे ये 6 की पावर हो जाएगी 2। तो √ और स्क्वेयर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, √ से स्क्वेयर कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच रहा है 7 + √7 + √6 अपॉन में 7 − 6 बच रहा है। तो 7 में 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। तो ये हो जाएगा √7 + √6 अपॉन में 1। तो इसका आंसर रहेगा, अब 1 आ गया तो वही आंसर रहेगा इसका, 1 तो उसके कोई वैल्यू नहीं, तो आंसर आ जाएगा √7 + √6। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें हमने माइनस लिया था उसमें हमने प्लस लिया, तो यहाँ इसका आंसर आ गया। अब सेकेंड ले लेते हैं, तो इसका भी परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ ले लेंगे नंबर 1/√5 + √2। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√5 + √2। तो यहाँ √ यहाँ प्लस में, तो इसका अपोजिट होगा माइनस, तो ये हो जाएगा √5 − √2, और यहाँ पर भी हो जाएगा √5 − √2। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 − 2, और 5 का √5 से √5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 का ब्रैकेट लगा के स्क्वेयर दे देंगे, क्योंकि ये स्क्वेयर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √2 से इसका भी मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ पर भी स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये स्क्वेयर से √ कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वेयर से ये √ कैंसिल हो जाएगा। तो सेकेंड जो स्टेप है, यहाँ बचेगा √5 − √2 अपॉन में बचा 5 − 2, तो हम माइनस कर लेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो √5 − √2 अपॉन में 3। अब इसके आगे कोई सॉल्व नहीं होगा, तो यही इसका आंसर रहेगा, इसे हम आंसर में दे देंगे। तो ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट होगा, जिसे हमने रेशनलाइज करा, कंप्लीट करा, और ये इसका आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर ये है और सेकेंड का आंसर हमारा ये है। ठीक है, I'll show you.